हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर एस के सर, फैकल्टी बायोलॉजी। पूछो तो बच्चों, लास्ट स्लॉट के अंदर हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट कर लिया था कि आई होप कि आपको वो लेक्चर पसंद आया हो। उसमें कुछ चीज़ें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं दो डायग्राम्स आपको शो नहीं कर पाया था, तो पहले मैं मॉर्फोलॉजी के वो दो डायग्राम आपको शो करना चाहूँगा जो आपके फैमिली सोलेनेसी और लिलीसी के थे। ठीक है, तो ये फैमिली सोलेनेसी का डायग्राम है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप देखिए, फैमिली सोलेनेसी के अंदर मैंने आपको जो बताया था चीज़ें, ब्रैक्टिएट कंडीशन, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंडोशियम 5, ईपी पेटलस कंडीशन और गाइनोशियम के अंदर बायलोक्युलर लोवरी। तो ये देखिए, इस तरह से आपका डायग्राम है, फ्लोरल फॉर्मूला विद फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, उसके बाद एक और जो लिलियसी का डायग्राम रह गया था, जिसके अंदर मैंने आपको पेरियंथ कंडीशन बताया था, तो ये कैलिक्स, उसके बाद ये तीन कोरोला, तो ये तीन कैलिक्स, ये तीन कोरोला। ठीक है, तो ये कैलिक्स कोरोला ये शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, और ये ट्राइकैल्पेलरी है ना, ओवरी इंफीरियर। ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन और ओवरी सुपीरियर, सॉरी। तो इस तरीके से हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर वो चीजें हमारी छूट गई थी उसको हमने कवर कर लिया। अगला जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को अक्सर इसमें प्रॉब्लम आती है, वो है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी की बात हम लोग करें बच्चों, तो एनाटॉमी की जो बात हम लोग करते हैं, तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? अभी तक हम जो भी चीज पढ़ रहे थे वो सुपरफिशियल पढ़ रहे थे, है ना। मॉर्फोलॉजी में हम ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सबकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम लोग एनाटॉमी की बात करते हैं, एना का मतलब होता है किसी चीज को कट करके देखना। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज को कट करेंगे, उसकी इंटरनल स्टडी करेंगे, ठीक है, तो एनाटॉमी का बेसिकली मतलब क्या है? इंटरनल स्टडी। आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्टडी होगी। ठीक है, बॉडी के अंदर जब आप कट करके, डाइसेक्शन करके उसकी स्टडी करेंगे तो वो ह्यूमन एनाटॉमी होगा। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हम लोग करें तो यह एक अच्छा खासा वेटेज है इसका एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज समझ सकते हैं, है ना। तो बच्चों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट मैं दोबारा भी करूंगा कि जो भी चीज मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं उसको एक बार आप जाके घर से एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें। तो आज के जो स्लॉट के अंदर हम बेसिकली उन चीजों को कवर कर रहे हैं जो आप पहले की क्लासेस में, शुरुआत क्लास में, 9th-10th में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, तो उसको मैं ब्रीफ में एक बार आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी संडे वाली क्लास, उसके अंदर हम लोग और बेसिक चीज और स्किल लेवल, तो मैंने इस चैप्टर को 4 slots के अंदर डिवाइड किया है। तो आज की जो स्लॉट होगी, फर्स्ट स्लॉट के अंदर हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे, कल की स्लॉट के अंदर हम लोग जो इसका टिश्यू सिस्टम जो होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इन सब चीज की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावर, जब हम कट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? सेल या टिश्यू देखने को मिलता है। तो टिश्यू क्या होता है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि टिश्यू क्या है? तो टिश्यू जो है बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन। ठीक है, कॉमन ओरिजिन सेम होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, ओरिजिन सेम होगा और बेसिकली फॉर्म सेम फंक्शन, है ना, मोस्टली फॉर्म सेम फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है ना, सेम फंक्शन मोस्टली, है ना, मोस्टली लिख रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन है इसमें। तो कॉमन ओरिजिन होगा, मॉर्फोलॉजी, तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, तो टिश्यू के अंदर ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद टिश्यू जो होता है बच्चों, प्लांट के अंदर 2 टाइप का होता है, एक है मेरिस्टमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर, मेरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, तो मेरिस्टम वर्ड का मतलब होता है डिवाइडिंग। ठीक है, मेरिस्टेम वर्ड का मतलब होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, तो ये वो सेल होगी जो एक्टिवली डिवाइडिंग होगी। क्या होगी? एक्टिवली डिवाइडिंग होगी। ठीक है, छोटे सेल्स होंगे। ठीक है, जो एक्टिवली बार बार डिवाइड कर रहे हैं उनको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके अंदर सेल हैव एबिलिटी, सेल डज नॉट हैव, है ना, सेल डज नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड।
जिसके अंदर डिवाइड करने की क्षमता खत्म हो गई होगी, उसको हम लोग परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर क्या हुआ, मान लीजिए दो सेल थी, एक सेल थी, एक सेल से दो सेल बना, ये सेल डिवाइड कर रहा है आगे तो दो से चार बनाएगा, इस सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो गई, यहां इसने डिवीजन की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी। अब इसके अंदर जो डिवीजन की क्षमता खत्म हो गई तो ये सेल क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड हो गया, क्या हो गया, डिफरेंशिएटेड हो गया। ठीक है, तो जो सेल जिसके अंदर जो डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, मतलब इसके अंदर क्या हो गया बच्चों, आपके अंदर जो डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो खत्म हो गई। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या फीचर्स हो सकते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होगा, वैक्यूल वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो नो वैक्यूल, क्यों वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होगा, क्यों वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होगा, तो वैक्यूल इसलिए नहीं प्रेजेंट होगा क्योंकि वैक्यूल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, वो किसका फीचर होता है, वो परमानेंट टिश्यू का फीचर होता है, क्योंकि उसको स्टोर करना है खाने को, तो खाना स्टोर करेगा तब ना, इसको तो खाना स्टोर ही नहीं करना, इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो वैक्यूल नहीं होगा, प्लास्टिड भी नहीं होता, अगर प्लास्टिड प्रेजेंट होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, प्रो प्लास्टिड के फॉर्म में होगा, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये सारी फीचर्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कोई इसके अंदर कोई लिग्निफिकेशन मटेरियल नहीं होगा, है ना, तो सिंपल डिवाइडिंग सेल होगी। सबसे पहले क्या होता है कि प्रो मेरिस्टेम बनता है, ठीक है, उससे क्या बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है, तो प्रो मेरिस्टेम, है ना, उसके बाद मेरिस्टेम, मेरिस्टेम से क्या बनता है बच्चों, प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी मेरिस्टेम मान लीजिए इसको, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनाएगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट से फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है, ठीक है, प्राइमरी प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन था, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसने अपनी जो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी थी उसको लॉस कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये बेसिक चीजें हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर एबिलिटी टू डिवाइड नहीं है। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आ जाएगा, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स, दैट इज जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक दो अलग अलग तरह के सेल से बनता है। ठीक है, मैं जाइलम में बताऊंगा कि जाइलम में चार तरह की चीजें होती है, ट्रैकियार्ड क्या होता है, वेसल्स क्या होता है। ठीक है, तो ट्रैकियार्ड सबसे प्रिमिटिव फीचर होता है। ठीक है, तो ये सब बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन प्लांट बॉडी में कहां पे है, तो उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला एपिकल मेरिस्टेम, तो ये एपिकल मतलब एपेक्स पे, रूट एपेक्स या शूट एपेक्स पे होगा, तो उसको एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। तो ये डिफरेंशिएट होगा प्राइमरी टिश्यू के अंदर, कैन इंक्रीज इन दी लेंथ, एक्सिलरी बर्ड आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीव। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की, बात कर लिए हम लोग ने, तो एक बार मैं आपको फ्लो चार्ट एक दिखाना चाह रहा हूं टिश्यू का, जिसका आप, हाँ एक बार इसको आप देख लें, है ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो कैपेबल ऑफ डिवीजन परमानेंट टिश्यू, मैच्योर इनकैपेबल ऑफ डिवीजन, उसमें सिंपल सिंगल टाइप ऑफ सेल, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा टाइप के सेल, जाइलम, वेसल्स और ट्रेकियार्ड, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब या सीव सेल भी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पेनियन सेल के जगह पे एल्बुमिनस सेल, अब क्या फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है, तो एल्बुमिनस सेल और सीव सेल जो होता है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है। ठीक है, ट्रेकियार्ड जाइलम वेसल, ट्रेकियार्ड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, इसमें सिर्फ यही एक जो होता है पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल होती है। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले ये हमने देख लिया टिश्यू के बारे में। ठीक है, टिश्यू के बाद हम लोग
देख लेते हैं, मेरिस्टेम का मतलब मेरिस्टोम, थिन वॉल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, ठीक है। टाइप क्या होंगे, एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी, बेस्ड ऑन द पोजीशन, किसके बेसिस पे, पोजीशन ऑफ द या लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है। चलिए और अच्छा एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, मैं भी समझाऊंगा आपको इसके बारे में। तो सबसे एपेक्स पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए बिल्कुल लेटरल पोजीशन पे लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, और ये सिलिंड्रिकल होता है, कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और बिटवीन मैच्योर टिश्यूज के बीच में इंटरकेलरी मेरिस्टेम होता है। तो एपिकल क्या बढ़ाएगा, लेंथ ऑफ द प्लांट बनाएगा, है ना, लेंथ ऑफ द प्लांट को बढ़ाएगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम के अंदर प्लांट की लेंथ बढ़ती है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम लोग कुछ चीजें और देख लेते हैं। हम लोग मेरिस्टेम के बारे में पढ़ रहे थे, इंटरकेलरी मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेम अकर बिटवीन मैच्योर या परमानेंट टिश्यू, ठीक है, प्रोड्यूस इन डेट फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज, कैन काउज इंक्रीज इन लेंथ, अकर एट द बेस ऑफ इंटरनोड, ठीक है, इंटरनोड के बेस पे, लीफ शीट्स के अंदर, ठीक है, दे जनरेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग एनिमल। तो गाय भैंस जो चरती रहती है, घूमती रहती है, खाती पीती रहती है, तो कुछ पार्ट खा ली तो उसका रीजनरेशन कौन करता है, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, अरेंज पैरेलल टू दी ओरिजिन ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, सेल प्रोड्यूस बाय देम डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी टिश्यू, है ना। तो ये जो होता है, कैन इंक्रीज इन द विथ ऑफ द प्लांट, तो ज्यादातर किस चीज के लिए, विथ ऑफ द प्लांट, चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते, ये लेटरल मेरिस्टेम यूज होता है, सिलिंड्रिकल नेचर होता है। इसके एग्जांपल है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा है, इंटर नहीं, ध्यान रखना, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी, तो दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ इन ओरिजिन होता है, ठीक है। जैसे लीफ की मार्जिन्स भी बढ़ाता है ना, जैसे ये लीफ है, लीफ की ये मार्जिन्स है, तो इसको भी बढ़ाता है, तो इसको मार्जिनल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है, थीके? और ये सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी भी ओरिजिन का होता है। तो फिर से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, प्राइमरी प्रो प्राइमरी, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी परमानेंट, इन सब के बारे में समझ लिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, उसके बाद टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ ली। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है, इसको ध्यान से रखिए। हाँ, एपिकल मेरिस्टेम लोकेटेड एट द ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ स्टेम एंड रूट ऑफ दोस प्रेजेंट स्टेम, ठीक है, इंटरकेलरी प्रेजेंट एट द बेस, ठीक है, प्रेजेंट लेटरली एंड कैन काउज इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द प्लांट, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, मेरिस्टेम के बारे में बात कर ली, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं एपिकल, लेटरल, ठीक है, और इंटरकेलरी। चलिए अब हम लोग टिश्यू, सिंपल टिश्यू की बात करते हैं, जिसके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। तो पैरेन्काइमा क्या होगा, पैरेन्काइमा जो सिंपल सेल्स होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है पैरेन्काइमा, सॉफ्ट होगा, इसके अंदर क्या मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। तो क्या मिलता है, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, और इसका मेन फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, स्टोरेज का काम होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी बोल कर सकता है। तो वैसे वैसे वाले पैरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोरेन्काइमा, ठीक है। तो क्या बोल देंगे उसको, कोलोरेन्काइमा, बायोन्सी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो पैरेन्काइमा क्या क्या कर सकता है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो क्या बोलेंगे, कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर दिया तो क्लोरेन्काइमा, ठीक है, ये इसका मॉडिफिकेशन। मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस है, सॉरी स्टोरेज ऑफ फूड है, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, वो भी साइजोजीनस का होता है। साइजोजीनस का मतलब क्या होता है, जो सेल सेपरेट करती गई उसके बीच में जब इंटरसेलुलर स्पेस बन गया तो उसको हम लोग साइजोजीनस इन ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। चलिए
उसके बाद स्फेरिकल होता है, थिन वॉल्ड है ना, थिन वॉल्ड टिश्यू थ्रू आउट द प्लांट, फंक्शन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कर दिया तो हमने बता दिया एरन का सॉरी क्लोरिन काइमा, और अगर बायोन्सी वगैरह के लिए जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं उनके अंदर बायोन्सी, बायोन्सी स्पेलिंग शायद गलत है, बायोन्सी चलिए आप लोग समझ लेना एरन काइमा, ठीक है बायोन्सी के लिए आयरन काइमा। ठीक है चलिए, तो ये बात हो गई पैरन काइमा के अंदर। कोलोरिन काइमा के अंदर लोकलाइज डिपोजिशन होता है लिग्निन वगैरह का, ठीक है थिकन एट द कॉर्नर, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इलोंगेटेड सेल विथ यूनिवर्सली थिकन एट द कॉर्नर। ठीक है, उसके बाद हाइपोडर्मिस के डाइकॉट स्टेम के अंदर, ठीक है हाइपोडर्मिस ऑफ द डाइकॉट स्टेम के अंदर ये मिलता है जिम्नो, एक मिनट देखिए, ये है आपका सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। तो देखिए इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस मिडिल वाला इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, तो ये किसका एग्जांपल है पैरेन्काइमा का, ये किसका एग्जांपल है कोलोरिन्काइमा का, है ना कोलोरिन्काइमा का एग्जांपल है, डिपोजिशन है थिकन एट द कॉर्नर्स है। ठीक है, तो प्राइमरी वॉल थिकन एट द कॉर्नर्स, ये किसका एग्जांपल है कोलोरिन्काइमा। तो डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस का क्या होता है हाइपोडर्मिस के अंदर कोलोरिन्काइमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद जो है हमारा स्क्लेरेन्काइमा है, तो है ना, तो स्क्लेरेन्काइमा के दो फॉर्म है, फाइबर्स जो नैरो टेपर्ड एंड पे है वो फाइबर है, और ये है स्क्लेरिड्स, तो दो तरह का इलोंगेटेड जो है स्ट्रक्चर होगा वो फाइबर होगा, और जो ये स्ट्रक्चर है वो आपका स्क्लेरिड्स होगा। तो ये सब बेसिकली ये जो होते हैं वो डेड होते हैं, कैसा होते हैं डेड होते हैं, और ये पैरेन्काइमा एंड क्लोरिन्काइमा लिविंग होता है, ये डेड है। तो बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम होगा। तो ये बेसिक फीचर्स था सिंपल परमानेंट टिश्यू का। ठीक है बच्चों, चलिए अब तो हम लोगों ने पैरेन्काइमा पढ़ लिया, कोलोरिन्काइमा पढ़ लिया, स्क्लेरेन्काइमा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और स्क्लेरेन्काइमा के अंदर हमने आपको बता दिया फाइबर और स्क्लेरिड्स। ठीक है, नैरो ल्यूमेन और फाइबर के फॉर्म में जब इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा, और स्क्लेरिड। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की स्क्लेरेन्काइमा टफ होता है, रिजिड होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जो सेल होगी वो एक से ज्यादा अलग अलग तरह की सेल से बनी हुई थी, उसके अंदर दो तरह के सेल होंगे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, दो तरह के सेल होंगे जाइलम और फ्लोएम। तो एक बार स्क्लेरेन्काइमा के बारे में भी देख लेते हैं, विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेड वॉल फाइबर्स है ना, स्ट्रक्चरल्स सपोर्ट स्केलेट्स फ्रूट्स के अंदर सीड के अंदर। ठीक है, जो हार्डनेस वगैरह भी होता है तो वो भी स्केलेट। तो आप बाकी एनसीईआरटी से पढ़ लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और डायग्राम देख लें, टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा कोलोरिन्काइमा और एरेन्काइमा। ठीक है, ये दोनों इसके टाइप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने के इस प्रोसेस में हम लोग जाइलम और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसी पे हम लोग चार्ट के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बाद जो टिश्यू है वो है जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या है, कंडक्शन। तो ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, इसका क्या होता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है जाइलम वेसल। तो वेसल इज द प्रिमिटिव फीचर, वेसल क्या होता है सबसे प्रिमिटिव फीचर होता है प्लांट का कंडक्शन के लिए, सबसे पहले वेसल। ठीक है, ट्रेकियार्ड, इसलिए तो हम लोग ट्रेकियोफाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रेकियार्ड्स। ठीक है, तो ट्रेकियार्ड ये सब डेड टिश्यू होती है, इसका काम बेसिकली क्या है, पानी को ऊपर लेके जाना। तो जाइलम का काम यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट का काम करने का काम होता है वो कौन सा करता है, जाइलम। इसके क्या क्या फंक्शन है, ट्रेकियार्ड्स होगा, वेसल होगा, जाइलम पैरेन्काइमा होगा। ठीक है, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल। तो फ्लोएम का काम जो होता है वो ट्रांसलोकेशन का होता है, जब खाना लीफ के अंदर बन गया तो उसको डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम, ट्रांसलोकेशन का काम किसका होता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम। जब लोडिंग एंड अनलोडिंग होता है तो उसका काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। ठीक है,
है। तो फ्लोएम के अंदर एक चीज और याद रखना है कि फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट होगा वो मल्टी डायरेक्शनल होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग सेल है और इसका काम है रेडियल डायरेक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। अब कोई भी ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल स्मूथ लाइनिंग में पानी जा रहा है ना, इधर उधर भी पानी पहुंचाना पड़ता है, तो रेडियल डायरेक्शन यही होगा। तो रेडियल कंडक्शन जो होगा वाटर का वो कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रेकियार्ड सबसे प्रिमिटिव फीचर है, उसके बाद वेसल। तो ये पाइपलाइन सिस्टम के जैसा बना होता है ट्रेकियार्ड, ठीक है। तो ट्रेकियोफाइट्स कहां से आया था, ट्रेडोफाइटा से आया था, तो यहीं से इसका नाम आया था ट्रेकियोफाइट, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ट्रेकियार्ड प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फ्लोएम के अंदर। तो फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब होती है जो कि ई न्यूक्लिएटेड होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि सीव ट्यूब क्या होती है। फ्लोएम की बात करें हम लोग तो इसके अंदर जो सीव ट्यूब होती है वो कैसी होती है, लिविंग तो होती है, ठीक है, लेकिन ई न्यूक्लिएटेड होती है। अब बिना न्यूक्लियस के भी ये लिविंग है क्योंकि इसके पास क्या है, कॉम्पेनियन सेल है, ठीक है। तो ये दोनों जो सेल होती है दीज आर कॉल सिस्टर सेल। सिस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है, तो ये दोनों बिल्कुल साथ के साथ दिखाई देगी, तो इसलिए इसको हम लोग सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल को सिस्टर सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसके पास न्यूक्लियस होता है तो इसके पूरा कंट्रोल यही करता है, तो कंट्रोलिंग सेंटर यही होता है आपका कॉम्पेनियन सेल, तो यही कंट्रोल करता है सीव ट्यूब को, है ना। इसके इसका एक और फंक्शन है कि प्रेशर जो आता है उसको भी मेंटेन करना किसका काम है, कॉम्पेनियन सेल। जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर कॉम्पेनियन सेल के जगह पे एल्बुमिनस सेल या स्ट्रासबर्गर सेल, है ना, स्ट्रासबर्गर सेल, ये दो नाम है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सीव और कॉम्पेनियन सेल के जगह पे एल्बुमिनस सेल या स्ट्रासबर्गर सेल, और सीव ट्यूब के जगह पे सीव सेल प्रेजेंट होता है, परफोरेटेड इंड्स होती है इसकी और इससे ये करता है, ठीक है काम। तो इस तरीके से ये फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये सब चीजें। और हाँ, फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होगा, रेडियल कंडक्शन ऑफ दी, वहां पे फूड था तो वहां पे सॉरी वाटर था तो यहां पे फूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है, बाकी वो उसके डेड फॉर्म हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, टिश्यू के टाइप, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम। तो मैंने इसको थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की, इसलिए बताने की कोशिश की है कि आप 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों जो हम लोग टिश्यू सिस्टम, और मैं थोड़ा सा स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा के कुछ डायग्राम्स वगैरह आपको दिखा दूंगा ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो नेक्स्ट स्लॉट के अंदर, कल के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों टिश्यू सिस्टम, उसके बाद हम लोग एक्सार्च इंडार्च। बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा रेंज भी बहुत ज्यादा है इसका और चीजें कॉम्प्लेक्स है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कुछ चीजों को पढ़ के आए ताकि आपको समझने में दिक्कत हो, कोई चीज मिस कर गई होगी बाय चांस, तो मैं उसको कवर करने की नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।